Greetings to everyone. My name is Hannah Hemmer. As you have been many Hemmer. I have, it may be this actual abbreviation to myself. हम आज के टाइम में डिफरेंट साउंड्स बताएंगे और जो साउंड्स भी गाते सुनेंगे साउंड निकालेंगे आवाज़ें निकालेंगे तो आप लोग देखिए होंगे कि जो हमारे साथ चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ तो सबसे पहले मैंने आपसे मांगे कोई सभी आवाज़ चाहे सब्जी वाले हो चाहे फ्रूट वाले हो या कोई टंडबे टंडबे लगे तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हम मुखलिस साउंड निकालेंगे तो पहली आवाज़ है टिन डब्बे वाले की जो आपके गली में आते हैं। टिन डब्बे मोजी टुकड़ी ले लो भाई, टिन डब्बे रद्दी पेपर वाले, टिन डब्बे आया टिन डब्बे टिन डब्बे। अरे एक आता था टिन डब्बे जब हम बचपन में आते थे। मैंने सब्जी वाले की आवाज़ निकालो। सब्जी वाले हरी प्याज ले लो, हरी प्याज ये बहुत टेस्टी होता है। सब्जी वाले और ये आलू ले लो, आलू आलू ले लो, प्याज ले लो। शलजम क्या रेट है भाई? लेमन ले लो, लीमू, शलजम, सब्जी। और हम तो डिफरेंट सब्जी वाले कभी 100 रुपये के लेते हैं, कभी 200 के लेते हैं। हम दोनों ने खाना होता है, मुझे कोई मोहल्ले वालों को नहीं देना। हम तो कम पैसों में सब्जियाँ ले लेते हैं भी। और सब्जी डेली लाया करें, एक दिन दो दिन गैप करके तो ख़राब भी सड़ भी जाता है, तो कम बनाएं, ज़ाया भी नहीं करना, वेस्ट नहीं करना खाने का। रोज़ाना लें या दो दिन गैप दे के लें। और फ्रूट वाले केले वाले केले केले भी हैं, केले वाले और फ्रूट में ये भी है ऑरेंज, कीनू वाले कीनू वाले फ्रूट वाले फल वाले सब्जी वाले और ये प्याज हरी प्याज जो कि मैंने मुझे बहुत पसंद है हरी प्याज। ये ऐसा लग रहा है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस लगता है मुझे तो। हरी प्याज मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजे का फ्राइड राइस में बहुत अच्छा लगता है। चिकन मंचूरियन में सब्जी वाले फ्रूट वाले अच्छा लगता है। हरा प्याज बोलते हैं लोग, सब प्याज हरी प्याज हरा प्याज कुछ भी कह लें, स्प्रिंग अनियन कुछ भी कह लें। और कौन सी आवाज निकालेंगे? और चौथा साउंड तीसरा साउंड कौन सा होगा? और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ए पुत्री सीख ले कंपुत्री, यानी कंप्यूटर सीख ले, कंप्यूटर सीख ले, कुछ लोग बोलते हैं सीख ले कंपुत्री इस तरह से बोलते हैं। और कुछ गाने भी कहेंगे, कौन सा गाना है? कोई भी जो आ रहा है उसका माइंड में। पहले गाते हैं कौमी गाना, गए चलो गाओ स्टार्ट करो। ये देश हमारा है इसे हमने संवारना है, ये देश हमारा है इसे हमने संवारा है, इसका एक एक जर्रा हमें जान से प्यारा है। ये देश हमारा है। और भी गाने हैं पहले, अब फिर बाद में सॉन्ग्स का ले जाते हैं। अभी कुछ और गाते हैं, नहीं गाते नहीं हैं, कुछ और बनाते हैं। मॉडर्न लेडी, हाँ मॉडर्न लेडी कैसे थे? आउट को भी आउट बोलते हैं। बाहर से जा रहे हम लोग, बाहर से जा रहे खाएंगे, फ्रूट लेके खाएंगे, ओ मीठा मैंने खाती। ये हो गए अल्ट्रा मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न। और जो नाकाम मॉडर्न बनते हैं वो लोग कैसे बोलती है वो देखिए। एयरलाइन कमीज, एयरलाइन की कमीज को एयरलाइन कहती है। एयरलाइन क्या होता है?
ये लाइन होता है। मेरे कपड़े कैसे हैं? ये तो शिलिंग हुआ हुआ है। शिलिंग, श्रिंक, श्रिंक को कहते हैं शिलिंग। और आगे से मॉडर्न बनती है। हाँ, मॉडर्न बनती है। अगर उनको समझाए तो आगे से बस कर सकते हैं। तो बिलावली में मॉडर्न बनते हैं लोग, तो अपने स्टाइल श्रिंक को कहते हैं शिलिंग कहती हैं। तो आप जैसे हैं वैसे रहेंगे, वैसे बोलिए। और क्या ना मॉडर्न बने ना एकदम जाहिल बन जाए, बस सही रहे। नॉर्मल दरमियान लोग हमेशा सही रहते हैं, तो इसलिए दरमियाना रहे हैं। इंसान को नॉर्मल रहना चाहिए। और क्या, और कौन सी आवाज? और हम तो जस्ट वीडियो बना रहे हैं और आवाजें साउंड सुना रहे हैं, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। और क्या वो चारपाई वाला? हाँ, चारपाई वाले, चारपाई वाले, चारपाई वाले, पलंगे, पलंगे, चारपाई वाले, पलंगे। और वो आता है मछली वाला। हाँ, मच्छी, सुरमई ले लो भाई, पापलेट, पापलेट, सुरमई, मच्छी, मच्छी। और क्या? और बाइक के वजन है। हाँ, बाइक के वजन। ट्रेन के पास ये ट्रेन डिस्को ट्रेन था, जो चुप चुप आते जा रहा था, जो डांस करते हुए जाता है, ये था डिस्को ट्रेन। और क्या बताएं? शैतान शरारती बच्चे। मम्मा मुझे ये खाना है, मुझे नहीं, मुझे ब्रोस्ट खाना है, मुझे ब्रोस्ट खाना है। जिद्दी बच्चे। मुझे ब्रोस्ट खाना है, मुझे ब्रोस्ट, मुझे ब्रोस्ट खाना है ये मम्मा। मैं और नाम भी बहरी होती बच्चों की और जिद भी करते हैं बच्चे, हमें ब्रोस्ट खाना है। ये थे शरारती जिद्दी बच्चे होते हैं, एग्रेसिव बच्चे। टिस टिस, ये क्या, मैं क्यों, क्यों मम्मा ये मैंने नहीं खाना, टिस टिस टिस, ये ऐसे एग्रेसिव बच्चे। नो, और खाना बच्चे। और अभी मैं जरा फिर पी के आती हूँ, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं, पानी पीते हैं, इसके बाद लीजिए ब्रेक। फिर आ गए, चलें अब कोई गाना सुनाए। गाना गाते हैं, मैं भी साथ सुनूंगी। गाते हैं गाना, तो सुनिएगा और मज़े के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। चल, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुरा के कर्ज उतारने होंगे। हम थोड़े बेसुरे हो गए तो इसकी माफ कीजिएगा। चले फिर भी गाना गाते। हाँ, फिर दोबारा गा लेते हैं, कोई बात नहीं। मुस्कुराए तो मुस्कुराए के कर्ज उतारने होंगे। हम सिंगर नहीं हैं, हमसे गाया नहीं जा रहा। चले फिर भी कोशिश करते हैं गाने की, दरगुजर कीजिएगा। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है
जैसे होठों पे कर्ज रखा है तुझसे नाराज नहीं। जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। चलो कुछ और सुनाते हैं। हम पहले गाते थे, अब आदत छूट गई है। घर जॉब करने लग गई थी मैं, पे हमारे ये ख्वाहिश अधूरा रह गया है। तो अब सुर से गए, सुर आगे पीछे हो गया है। किसी दिन हम सही से सुनाएंगे म्यूजिक के साथ, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रही हमारी। बचपन में गाते थे तो भूल जाते हैं और प्रैक्टिस नहीं होता तो और बुरा लगे तो बस इधर गुजर कीजिएगा। और क्या करें, और बीज जमा लो। हाँ बीज जमा लो मैंने बेटा, मैं जब तक लड़वा ना दूँ, दो घरों में लड़ाई ना करवा दूँ तो मुझे चैन नहीं। तब पान भी खाती हूँ, पान की गिलोरी। ये जो लड़ाकन औरतें होती है ना, ये उनकी पान भी खाती बता रही। मैं भी जमा लो। और जब तक कान लगा के पड़ोसियों की बातें ना सुन, चैन नहीं पड़ता। मेरा खाना हजम ना होता बेटा, ऑलरेडी बीज जमा लो, पान भी खाती हूँ मैं तो बीज जमा लो, बीज जमा लो। हाय हाय हाय, अभी देखो पड़ोस में किसकी है बाजारी, और कब तक तो मैं पक्का फूड डलवा ही दूँ। ऐसे लड़वाऊंगी कि फूट डलवा दूंगी लड़ लड़के। मजा आएगा मुझे, मैं एंजॉय करती हूँ। तो मैं हूँ बीज जमा लो आंटी। बीज जमा लो आंटी। कुछ खवातीन होती हैं जो बीज जमा लो टाइप की होती हैं हमारे माशरे में, बहुत सारे लोग उनकी कॉपी की है। हाँ, एक करेक्टर है जो दूसरी बातें सुनती रहती हैं, तो हर जगह पाए जाते हैं ऐसे लोग। हर जगह बीज जमा लो टाइप्स, तो वो मैं ज़रा आपको आवाज़ निकाल के सुना रही थी। हमने कहा था आज हम साउंड सुनाएंगे मुख्तलिफ डिफरेंट आवाज़ें, तो आइए थी बीज जमा लो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरों की कॉपी करते रहते हैं, अपनी कोई सोच ही नहीं होता उनका, मतलब अपना स्टाइल भी भूल जाते हैं, दूसरों को दूसरों की कॉपी करते करते कुछ और ही बन जाते हैं। तो जो कि वो बुरा लगता है, अपनी पहचान बनाइए बनाइए दूसरों की कॉपी करें, दूसरों की कॉपी नहीं करें और फॉलो नहीं करें, दूसरों को फॉलो ना करें, तो ये हो जाता है और अपना भी भूल जाता है। तो हर इंसान के लिए अपने बस स्टाइल बने, अपने स्टाइल से बात करें। और जो आप है बस ये कोपो वर्ड अच्छा लग रहा है, कोपो कोपो कोपो, डोंट कोपो टू अदर्स। कॉपी नहीं करें किसी की। और सोचो अब वीडियो बनाते तो साउंड याद नहीं आता, वीडियो बनाने बैठते हैं तो भूल जाते हैं। और क्या, और आजकल कीड़े भौंक रहे हैं, डॉग्स अच्छा पपीज लोग आवाजें निकालते हैं, पपीज भी आए हैं और कुछ जैकल्स भी आए हैं, देखे गए हैं हमारे मोहल्ले के बच्चों ने बताया है। ये बच्चा कुत्ता है, पपी कैसे बोले बिल्लियों को मैं ऐसे बुलाती हूँ।
अब बिल्ली आ भी जाती है। अच्छे डॉग हो, आपको बुलाना हो तो इस तरह बुलाया करें, बिल्लियां आ जाती हैं, अब डॉग्स भी आ जाते हैं, ऐसे बुलाते हैं, ऐसे बुलाते हैं बिल्लियों, कुत्तों को, पेट्स को, जानवरों को, रूम को ऐसे बुलाते हैं, तो आ जाती हैं। और चूजों को उंगली से, फिर चूजे आ जाते हैं, ये जो मुर्गी के बच्चे होते हैं, चूजे मुर्गे भी आती हैं, ऐसे चूजे भी आते हैं, कहते मुर्गे को बोलते हैं रूट डाल के, ऐसे बुलाया जाता है मुर्गियों को, उनको जब दाना पराठा बाजरा कुछ करके बुलाते हैं तो आ जाते हैं। कौवा कैसे कहते हैं, काय 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 काय, एक कौवा आता है कहते लेट्स गो, हमारे यहाँ एक कौवा आता है कहते लेट्स गो। और आप गौर करें और एक कौवा कहते हैं मैंगो मैंगो अंको मैंगो 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 ऐसे करता है। तो ये साउंड पे गौर करें, जो परिंदे जो बर्ड्स बोलते हैं उनकी आवाज़ पे आप गौर करें, कभी आराम से सुकून से सुने वो क्या बोल रहे हैं। असल में वो खाना मांगते हैं बेचारे, भूखे प्यासे होते हैं, तो उनको देना पड़ता है, और जो कर सकता है इंसान को करना चाहिए, जानवरों के लिए खाना वाना का बंदोबस्त अरेंज कर देना चाहिए। और क्या रह गया, और बहुत कुछ रह गया है, चलिए याद करते हैं गप्पा। हम याद करते ही फिर आते हैं दोबारा। गाय और बकरे, बकरी के बच्चे, आजकल बकरी के बच्चे गला खराब हो, कराची में गर्मी आ गई है, रात में थोड़ी सी ठंड होती है, अब गर्मी आ गई कि मुझे पसीना आ रहा है, और सर्दी हो गई उड़न छू, तो अब हो गई गर्मी, लेकिन रात के फेस में कुछ भी नहीं लगाया, हाँ कुछ कोई मेकअप नहीं, हमने सिर्फ लिपस्टिक लगाया, कोई मेकअप नहीं आ रही कराची में, तो कराची में हो गई गर्मी, धूप में जाए तो पसीना से बुरा हाल, अभी पसीना आ रहा है, हमने फैन ऑफ किया हुआ है, पसीना आ रहा है, और पसीने से बुरा हाल, कराची में गर्मी हो गई रात को, अभी हल्की हल्की सर्दी है, मजे का मौसम है, हल्की हल्की लाइट लाइट सर्दी, और स्वेटर सारे बंद, और अब शलवार कमीज लॉन चलेगा जो कराची का मौसम है। हाँ ये सब है ओके पता है हाँ, और आपने मेरी खुजली भी हो रही है, हमने कहा था कि और वीडियोस बनाएंगे, तो देखें अब जाएंगे तो बनाएंगे, तो कुछ हालत भी ठीक हो जाए, याद नहीं आ रहा हाँ याद ही नहीं आ रहा हमें, वैसे गाते रहते घर में, वीडियो बनाने में याद ही नहीं होता, भूल जाते हैं, आगे नहीं याद है मुझे, क्या करें याद करेंगे थोड़ी सी रट्टा मारेंगे, रट्टिफिकेशन करेंगे, तो फिर रट्टा मार के तो फिर गाना पड़ेगा, लिरिक्स याद करना पड़ेगा, गाना गा भी तो नहीं सकते ना, आजकल खाना भी नहीं खा सकते हैं, तो ये भी मसले होते हैं, हमारे फेवरेट चीज होता है म्यूजिक, हमें म्यूजिक बहुत मजा आता है, और तो म्यूजिक कर भी सकते हैं, अच्छा लगता है, तो और म्यूजिक से वीडियो भी अच्छी होती है, मुझे तो गर्मी लगी पसीना आ रहा है, जब फुल गर्मी होगी तो फिर क्या होगा, फिर क्या हाल होगा, फिर मैं नहाती रहूंगी, अभी तो खैर कराची में अभी तो ऐसा मौसम है क्या नॉर्मल है, बर्दाश्त कर सकते हैं, ऐसी शदीद गर्मी नहीं है, और मुझे एसी पसंद नहीं है, एसी में मेरे सर में दर्द हो जाता है, मुझे पंखे चलते हैं, और जो नेचुरल हवा होती है अल्लाह ताला चलाते हैं फरिश्तों के ज़रिए, वो हवा मुझे बहुत पसंद है, जो अल्लाह ताला चलाते हैं कुदरती हवा, उसमें बैठना मुझे पसंद है, अभी इसी मुझे पसंद नहीं है, पंखे के भी रह रहे हैं अभी अल्लाह का शुक्र इस कदर, और इतनी गर्मी नहीं है, और लेकिन धूप में जाए तो शदीद गर्मी का एहसास होता है कराची में, और थोड़ी सी नसीहत भी करेंगे अपने प्यारे बच्चों को, और मैं यही कहूँगी कि दोस्ती देखभाल के करें, बिल्कुल हर कोई आपका मुखलिस नहीं होता, यानी आपके लिए मुखलिस सिंसियर नहीं होते, तो दोस्ती देखभाल की कीजिए,
तो अपने आप को बचाइए बुरे लोगों से। हमने अल्लाह शुक्र आज तक किसी से दोस्ती नहीं की, अल्लाह शुक्र ऐसी कोई संगीन कोई संगीन नहीं है। और मैं नहीं, लोग पता क्या, लोग अच्छा बनकर मिलते हैं, वो अंदर से अच्छे नहीं होते हैं, कहते ना ऊपर से गुडी गुडी पीछे अंदर से क्या है, किसी की बदतमीजी भी नहीं करें किसी के साथ, किसी की दिलाजारी भी नहीं करें और उठा के दोस्ती भी ना करें। हर कोई आपके लिए सिंसियर मुखलिस नहीं होता, मुखलिस नहीं होता। आजकल जमाना बहुत खराब है, दोस्ती देखभाल की कीजिए, हर कोई मिलने का लायक नहीं होता। बस इज्जत दें सबको, लेकिन बुरे लोगों से अवॉइड करें। और कहीं भी जाएं, अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को, बहन भाइयों को बता कर जाइए, जो भी आपके घर में नानी दादा दादी खाला खाली जो भी हैं, सबको, अपने बड़ों को बता के जाइए आप कहाँ जा रहे हैं। अगर दूसरे साथ घूमने जा रहे हैं तो भी बता के जाइए, और कहीं जा रहे हैं आप किसी के साथ स्कूल ट्रिप में, कहीं भी सब बता के जाया करें। मैं यही कहूँगी आजकल के बच्चों से, न्यू जनरेशन से, जो बड़े कहते हैं आपके भले के लिए कहते हैं तो उनको सुने, नाराज नहीं होना चाहिए, बड़ों का कहना माने। बिल्कुल, बड़ों का कहना माने, उनको पता है जिंदगी का, आप बच्चों को शायद नहीं पता। बेशक आपको अच्छे लग रहे हो, लेकिन हर कोई इंसान अच्छा नहीं होता आपके लिए, तो अपने नफ्स पर कंट्रोल रखिए, दोस्ती हर एक से मत कीजिए। बेशक आजकल के बच्चे बदतमीजी भी नहीं करें, बदतमीजी भी नहीं करें किसी के साथ, लेकिन जिंदगी समझ नहीं है बच्चों को, जिंदगी समझ नहीं है। आप अच्छे हैं लेकिन लोग नहीं अच्छे होते, हर कोई नहीं अच्छा होता आपके लिए, तो दोस्ती करने, फ्रेंडशिप मत किया करें हर एक से, मुठा के मिलना जुलना बातचीत बहुत जरूरी होता है। आप बदतमीजी भी नहीं करें, फ्रेंडशिप नहीं होती, लेकिन दोस्ती नहीं करें। और उस बंदे के साथ या बंदी के साथ कोई भी हो मत जाए घूमने फिरने भी, या मेल हो या फीमेल हो, मत देखकर हाँ नहीं जाए। अपने अपने लाइफ को खुद बचा के रखें, और बड़ों का कहना माने, और बड़ों का कहना माने, और बचाना अपने आप को खुद ही, आप लोगों में अपने सेफ्टी के लिए इंसान खुद करता है। और मैंने पहले ही बताया, जब भी बाहर जाए आयतल कुर्सी, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी, सूरह फलक, सूरह नास और सूरह कौसर अपने पर दम करके जाया करें। सूरह फलक, सूरह नास और आयतल कुर्सी जरूर पढ़ के जाया करें, और रात को भी सोते वक्त जरूर पढ़ा करें, और रात को सोने से पहले भी पढ़ा करें। अल्लाह से दुआ मांग के सोया करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और वह मैं ही कहूँगी, दिल से तासुब किसी के लिए भी नहीं रखें, और ना हसद करें, ना किसी के ऊपर जुल्म करें, ये तीन चीज़ बहुत बुरी चीज़ है। अगर ये तीन गुना से बचा लेना इंसान, हसद, जुल्म और तासुब, तो गुना खुद बखुद ख़त्म हो जाते हैं। मैं सबको कह रही हूँ, सब इंसान उसमें हम भी शामिल हैं, उसमें हम भी शामिल हैं, सब इंसान, ये तीनों चीज़ों से अपने आप को बचा के रखिए। ये तीन चीज से अगर बच गए तो आप समझे आप हर गुना से बच गए। और अल्लाह से हमेशा दुआ करें अपने लिए भी, और तमाम जहान के, जहान के इंसानों, तमाम दुनिया के इंसानों के लिए दुआ करना चाहिए इंसान को। और अच्छा अच्छा कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम अच्छा सोचें दूसरों के लिए, दूसरों के साथ चीट नहीं करें, चीट नहीं करें, किसी को ना खेलें किसी के साथ, हाँ किसी का चीट नहीं करें, धोखा नहीं करें किसी का, तो अल्लाह भी आपको महफूज रखेगा तमाम बुराइयों से। कैसी भी जिंदगी हो आप, कैसे भी किस तरह करके अल्लाह आपको सपोर्ट करता रहेगा, अल्लाह का सपोर्ट, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, आपको हासिल रहेगा। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए जैसी भी आपकी लाइफ है, और अल्लाह से दुआ मांगते रहें आगे आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, अल्लाह पर बस भरोसा रखें। और बताइएगा हमारी ये वाली वीडियो भी आपको कैसी लग रही है, हमने मुख्तलिफ डिफरेंट आवाज़ें निकाली हैं, तो बताइए और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाइक कराएंगे।